हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल व्हील्स ट्यूबर। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हम लोग तो गाड़ी खरीद लेते हैं, बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों के लिए कार खरीदना एक ड्रीम होता है और वो लोग अपनी जिंदगी का पूरा कमाई कार में डाल देते हैं। हम लोग कार खरीदते हैं, कार में काफी सारे एक्सेसरीज लगा लेते हैं, कार को रेगुलर सर्विसिंग कराते हैं क्योंकि हम लोग कार को केयर करते हैं। लेकिन इन सब की भीड़ में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं, वो है कार की ओनर मैनुअल को पढ़ना। कार की जो ओनर मैनुअल है वो आपकी कार की एक बाइबल है। ओनर्स मैनुअल को पढ़ के आपको आपके कार के बारे में इन एंड आउट पता चल सकती है। मैं ये भी मानता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद जो ओनर्स मैनुअल आपके ग्लव बॉक्स में सालों तक पड़ा हुआ था, आप जरूर एक बार निकालेंगे और अभी के अभी पढ़ना शुरू करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप ओनर्स मैनुअल एक बार पढ़े, अच्छे से आपके कार को समझे और प्रॉपर केयर करें आपके कार की। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसे 10 रीजंस के बारे में जिसके लिए आपको कार की ओनर्स मैनुअल पढ़ना मस्ट है। नंबर 1, आपके कार के सारे बटन्स एंड नॉब्स के फंक्शनलिटी को जानना है। आज के दिन में जो लेटेस्ट कार्स आते हैं उनमें बहुत सारे से बटन रहते हैं इंटीरियर में, आप अगर देखेंगे तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी बटन की क्या काम है। हाँ, आपको सेल्स पर्सन बहुत सारे बटन की यूटिलिटी बता देते हैं, लेकिन तब भी कोई भी सेल्स पर्सन के लिए हर एक बटन का एग्जैक्टली क्या काम है बताना पॉसिबल नहीं रहता इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको इसलिए ओनर्स मैनुअल जरूर पढ़नी चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगा आपके कार्स में जो भी बटन है एग्जैक्टली क्या बटन दबाएंगे तो क्या काम होगा। नंबर 2, व्हीकल सेटिंग्स, यानी कि व्हीकल के जो कंप्यूटर इंजन के सेटिंग्स है उसके सारे सेटिंग्स को अच्छे से जानना है। व्हीकल के जो बहुत सारे सेटिंग्स है कैसे सेट करना है आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। क्लॉक, अलार्म, टेम्परेचर, लाइट, ये सब चीजों को कैसे सेट करना है, ट्रिप कैसे सेट करना है, गाड़ी के जो रिमोट कंट्रोल से उनको कैसे एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना है, ये सारी चीज को आपको जरूर आनी चाहिए। और इसलिए ओनर्स मैनुअल को पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपको यही सारी चीजें एकदम डिटेल्स में लिखी हुई मिल जाएगी। नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग द डैशबोर्ड सिंबल्स एंड वार्निंग लाइट्स। हम लोग जब कार को डे टू डे ड्राइव करते हैं तो बहुत सारे सिग्नल्स एंड सिंबल्स देखते रहते हैं डैशबोर्ड में, कई बार काफी सारे वार्निंग्स भी आते हैं। और मैंने देखा कि लोग नेट में सर्च करते हैं कि मेरे कार में ये जो वार्निंग सिग्नल दिख रहे हैं इसका मतलब क्या है। आपको नेट में सर्च करना ही जरूरी नहीं है। आई नो कि नेट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बट बहुत सारे टाइम आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। आप अगर ओनर्स मैनुअल एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको सारे सिंबल्स के बारे में, सारे वार्निंग्स के बारे में एकदम डिटेल्स में लिखी हुई मिल जाएगी। हाँ, आप भूल जरूर सकते हैं लेकिन आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको जरूर पता होगा कि सारे डिटेल्स लिखी हुई है। आप एग्जैक्टली बुक खोल के कहाँ पे कौन से सेक्शन में पढ़ना है दोबारा पढ़ सकते हैं और इससे आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा बस सिंबल को देख के कि गाड़ी आपको क्या मैसेज देना चाहती है। नंबर 4, सर्विस सेंटर्स के स्कैम से अपने आप को बचाइए। ओनर्स मैनुअल में डिटेल्स में ये सब भी लिखा हुआ रहता है कि आपको कब कौन सी पार्ट्स चेंज कराना चाहिए, कब आपको फ्लूइड्स वगैरह चेंज करानी चाहिए। तो ये सब चीजें अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप सर्विस सेंटर में कभी भी स्कैम्ड नहीं होंगे क्योंकि ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि ये जो सर्विस सेंटर प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग पैसे कमाने के चक्कर में आपको एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा देंगे और बताएंगे कि ये आपके कार के लिए चेंज करना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जो कार ओनर्स होते हैं, हमारे जैसे नॉर्मल लोग, हमको पता ही नहीं होता है कि क्या चेंज करना पड़ेगा क्या चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सर्विस प्रोफेशनल्स होते हैं उनके बातों में आके सारी चीजें चेंज करवा लेते हैं और जो खर्चा हमारे पॉकेट में भारी पड़ जाती है। तो इसलिए आप अगर ओनर्स मैनुअल पढ़ लेंगे तो ऐसे सारे सिचुएशन से आप अपने आप को बता सकते हैं, आपके जो पॉकेट का खर्चा वो भी कम हो सकता है। मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और एज एन ओनर आपको पता होनी चाहिए कि कब क्या चेंज करवाने का जरूरत है अपनी कार में। नंबर 5, आपके कार के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए आपको पता होनी चाहिए कि आपके कार के लिए कौन सी ग्रेड के इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल ऐसा परफेक्ट है, कौन सी ग्रेड के फ्यूल आपको यूज करना है, इवन आपके कार के फ्रंट टायर्स और बैक टायर्स के प्रेशर कितने होने चाहिए, पीएसआई लेवल कितनी होनी चाहिए, वो एकदम एग्जैक्टली मेंशन किया हुआ रहता है। नंबर 6, इमरजेंसी और स्टैंडर्ड सिचुएशन से अपने आप को कैसे निकालना है। मैं समझता हूँ कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्योंकि हम लोग जब ड्राइव करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ, ऐसे कोई जगह में हम लोग जाके अनफॉर्चुनेटली कभी कभी फंस सकते हैं जहाँ पे नियर बाई एरियाज में कोई मैकेनिक अवेलेबल नहीं होगा, जहाँ पे हो सकते है कि आप इजिली किसी के साथ बात भी नहीं कर सकते। वैसे सिचुएशन में आपको बहुत सारे केसेस में ओनर्स मैनुअल बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। ऐसे काफी सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं जो हम लोग इजिली रेक्टिफाई कर सकते हैं, ओनर्स मैनुअल में सारे डिटेल्स रहता है। आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको काफी सारे टाइम समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या छोटी सी प्रॉब्लम है आपके कार में, आप इजिली उसको रेक्टिफाई करके अपने आप ही कोई नियर बाई सर्विस सेंटर या मैकेनिक के पास जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकेस टायर बस्ट हो गया तो आपको तो एटलीस्ट इतना पता ही होना चाहिए कि स्पेयर टायर को कैसे इंस्टॉल करना है।
मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मैं TMDHPA में पढ़ ही रहा था कि एक बंदा ऐसे लद्दाख घूमने गया था, वहाँ पे क्योंकि डस्ट बहुत ज्यादा होता है तो एयर फिल्टर जो चोकअप हो गया, इसलिए गाड़ी को पावर नहीं मिल रही थी। लेकिन जो ओनर है उनको पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, तो वो बहुत मेहनत करके नियर बाई मैकेनिक के पास गए, ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर ड्राइव करके उसके बाद पता चला कि ये जो एयर फिल्टर है चोक हो गई थी, उसको क्लीन करने के बाद सारे प्रॉब्लम जो है रिजर्व हो गई थी। लेकिन उनको बाद में पता चला कि उनका जो ओनर्स मैनुअल है उसमें बहुत डिटेल्स में लिखा हुआ है कि इन दैट सिचुएशन आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, आपको कैसे एयर फिल्टर को क्लीन करना चाहिए। तो इतनी सी छोटी सी चीज अगर आपको ओनर्स मैनुअल पढ़ के पता चल जाएगा तो आप बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम से अपने आप को निकाल सकते हो। नंबर 7, बेटर ड्राइविंग प्रैक्टिसेस फॉर मैक्सिमम कार परफॉर्मेंस। हर एक के जो ड्राइविंग हैबिट्स अलग अलग होते हैं उसमें कार के परफॉर्मेंस भी डिपेंड करती है, लेकिन हम जब भी कोई कार लेते हैं उस कार को कैसे मेंटेन करना है, कैसे ड्राइव करना है, बेस्ट प्रैक्टिस किया है, ये सारी चीज ओनर्स मैनुअल में लिखा हुआ रहता है। आप अगर ये सारे जो प्रोसेस फॉलो करेंगे तो काफी टाइम आपको अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगा, आपको अच्छा ड्राइविंग कंफर्ट मिलेगा, तो इसलिए ओनर्स मैनुअल को पढ़ना जरूरी है। नंबर 8, कार को मेंटेन करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जानिए। कार को अगर लंबी टाइम के लिए चलानी है, बहुत दिनों तक अपने पास रखना है, तो कार के जो मेंटेनेंस है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए आपको पता होनी चाहिए कि आपके कार के लिए बेस्ट मेंटेनेंस प्रैक्टिस क्या है। आपको ऐसा कोई सामान या ऐसा कोई क्लीनिंग एजेंट्स आपके कार में यूज नहीं करनी चाहिए जो आपके कार को पेंट को खराब कर सकती है, आपकी कार के डैशबोर्ड को खराब कर सकती है, आपके कार के ओवरऑल परफॉर्मेंस को खराब कर सकती है। तो इसीलिए ओनर्स मैनुअल को आपको पढ़ना चाहिए, जहाँ पे पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ रहता है कि क्या यूज करना चाहिए, क्या नहीं यूज करना चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग प्रोसीज्यूर क्या है। ये सारी चीज अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप बहुत इजीली अपने कार को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। नंबर 9, कार के वारंटी पॉलिसीज के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कार के वारंटी पॉलिसीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपके कार को लेके कोई मेल प्रैक्टिस करते हैं जो वारंटी पॉलिसीज के अंदर नहीं आता है तो आपका जो कार की वारंटी वॉइड हो सकती है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके कार की वारंटी जो पॉलिसी एग्जैक्टली क्या है, आप उस पॉलिसी के अंदर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कैसे टाइप का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे टाइप का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसे सिचुएशन में कभी नहीं जाना है कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी जो कार के इंजन वारंटी है, आपके जो कार के इक्विपमेंट्स की वारंटी है, वो सारे नारे वॉइड हो जाए। तो इसलिए वारंटी पॉलिसीज एक बार पढ़ लीजिए और आपने आपको सेफ रखिए। नंबर 10, कार के सारे फीचर्स के बारे में डिटेल में जानिए। ये कभी हो ही नहीं सकता है कि एक सेल्स पर्सन आपको सारे फीचर्स एकदम डिटेल्स में बता दे। आप जब भी ओनर्स मैनुअल पढ़ेंगे आई एम श्योर कि आपको ऐसे कुछ फीचर्स मिल जाएंगे जो आपको पता ही नहीं था कि आपके कार में है। ओनर्स मैनुअल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप जब पढ़ने लगेंगे आपको पता चलेगा अरे ये चीज मेरे कार में है, ये फीचर मेरे कार में है, मैं तो इसे यूज नहीं कर पा रहा हूं। तो इसीलिए एक बार पढ़ लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ओनर्स मैनुअल में आपको कार्स के बारे में ऐसे स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स मिल जाएंगे कि आपको हर एक चीज समझना बहुत आसान हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको ओनर्स मैनुअल पढ़ के घर पे नहीं रखना है, आपको मैनुअल को हमेशा कार के साथ कैरी करना है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में जब आप फंस जाते हैं आप एक बार पढ़ लेंगे तो सारी चीज आपको याद नहीं रहेगा, आपको दोबारा खुल के वो चीज देखना है। और अगर ओनर्स मैनुअल आपके पास है तो आप आराम से देख के कोई भी एक्शन ले सकते हैं। आप मुझे जरूर बता सकते हैं कि हाँ इंटरनेट में सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है, लेकिन इंटरनेट में आप बहुत सारी चीजों को लेकर कंफ्यूज भी हो सकते हैं। कार के नए नए मॉडल्स आते रहते हैं, वेरिएंट्स होते हैं, तो आपकी कार की जो ओनर्स मैनुअल है दैट इज द ओनली बाइबल, आप उसी को फॉलो करेंगे तो वही आपके कार की हेल्थ के लिए बेस्ट है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बताइए। वीडियो एंड करने के पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही छोटी सी चीज है बट हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। थैंक यू।